अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल करीम की अप टू 50% ऑफ कंटिन्यू है विंटर क्लियरेंस सेल, और इस सेल में आपको हर इसके आर्टिकल पर 50 फ्लैट भी मिलेगा और 70 फ्लैट भी मिलेगा। होम सेक्शन है ये, अल करीम होम है, जिस तरह से खाड़ी होम है इसी तरह अल करीम का भी होम सेक्शन है। लेकिन इतना ज़्यादा रश है आजकल स्टोर्स में, यकीन करें व्यूवर्स, बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। और जब वीडियो बन जाती है तो फिर इस तरह से क्राउड में और रश में जितनी एडिटिंग पर टाइम लगता है बस ना पूछें। तो मेरी भी वीडियो इसी वजह से लेट हो जाती हैं अक्सर, क्योंकि ऑन टाइम तो बन जाती है वीडियो लेकिन एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जी, इसको जो है अल करीम की जो विंटर क्लियरेंस सेल है इसको आप समझें, सीज़न एंड सेल भी यही है। लेकिन जो इसका न्यू अराइवल है उस पर आपको 10% और 20% मिल रहा है। अभी तक इन्होंने अपने न्यू अराइवल पर कोई भी 30 और 40 फ्लैट नहीं लगाया। अदरवाइज़ आपको इसके रेडी वेयर पर भी सबका सब ऑफ मिलेगा, 30 और 40 50% ऑफ। ये फैंसी इसकी कलेक्शन है और वेलवेट पलची, इसमें 2 पीस 3 पीस सूट्स भी ऐड हैं। और इनकी प्राइसेस आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होंगी, इनके टैग्स पर 4000 से 5000 के राउंड अबाउट में है। वाज़ और नाव की प्राइस आप देख सकते हैं। जो एम्ब्रॉयडर्ड सूट हैं वो आपको नाव और वाज़ की प्राइस के साथ 10 से 7 और 8 हज़ार की रेंज में अब मिलेंगे, क्योंकि इन पर 20 और 30 फ्लैट ऑफ है। शॉकिंग पिंक कलर, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। और ये 3465 की प्राइस में फ्रंट वाला कुर्ता, ये 2 पीस सूट्स हैं। नाव और वाज़ आप प्राइस देखिए, इतना रश था, लेडीज़ थी, बच्चे बहुत थे और ऐसे धक्के लग रहे होते हैं ऐसे में, लेकिन वीडियो भी शूट करनी होती है। और कोशिश ये होती है कि आप लोगों को इनकी प्राइसेस टैग्स भी शो करवाए जा सकें, और जब नहीं हो सकती ये कोशिश कामयाब तो स्क्रीन पर या हमें वर्बली आपके साथ शेयर करने पड़ते हैं। अनस्टिच कलेक्शन जो है इसकी, आपके साथ मैंने इनका न्यू विंटर कलेक्शन भी जब शेयर किया था तो प्राइसेस बहुत अच्छे से क्लियरली डिटेल के साथ आपको शेयर की थी। और अभी नाव और वाज़ की प्राइसेस भी ये देख सकते हैं आप, इनके डिस्प्ले पेपर पर शो हो रही हैं। ये खदर का स्टफ है 3 पीस सूट में, और जो बिल्कुल बॉटम में 2 सूट हैं वो मरीना, वेस्ट कोस्ट मरीना मिक्स इनके आर्टिकल्स थे जो स्टार्ट में ही बताए हैं आपको। तो वो आपको 3800 से 20 और 35% ऑफ के साथ 26 और 700 के पड़ेंगे। अच्छा जी, करंडी जो है वो भी अल करीम पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स में अवेलेबल है, और खदर भी। खद्दर मोस्टली इस दफ़ा सभी ब्रांड पर बहुत ज़्यादा आया है, और जो मरीना है वो बिल्कुल भी मुझे नहीं इतना मिला इस सारे सीज़न में, तकरीबन अब तो सीज़न 1 महीना ही रह गया है। तो ये आप देखिए कितना खूबसूरत कलर है, 3 पीस सूट है सिंपल खद्दर के साथ। और जो एम्ब्रॉयडर्ड सूट हैं अल करीम के, एज़ यू कैन सी बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स हैं, एक्सपेंसिव भी हैं। और अभी इनकी प्राइसेस 1970-1980 तकरीबन 2000 के राउंड अबाउट में हैं, जो 3 पीस सिंपल इनके खद्दर सूट और जो 12 वेस्कोस सूट्स हैं। मुझे 12 वेस्कोस इनकी बहुत बहुत पसंद है। अल करीम स्टूडियो की जो 12 वेस्कोस सूट्स होते हैं 2 पीस और 3 पीस में, वो बहुत शाइनी और बहुत शिमरी, और दूसरा ये कि इनका फैब्रिक बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही हैवी सा होता है, तो उसकी एक बहुत अच्छी ग्रेस बनती है स्टिचिंग के बाद। और नाव और वाज़ की प्राइसेस आप देख लें, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है अल करीम भी, तो अब नाव की प्राइसेस के साथ बहुत रीजनेबल इसकी भी प्राइस हो चुकी है, 2568 इसकी प्राइस है। और ये भी 12 वेस्कोस 3 पीस सूट है, खूबसूरत इसका ब्यूटीफुल सा कलर है, सोबर टोन है, कलर टोन बहुत खूबसूरत है। और ये रेड वन सूट, इसमें मैंने ब्लू बाय किया, लेकिन उस वक्त इसकी प्राइस रेगुलर में थी जब ये न्यू कलेक्शन आया था। तो इंशाल्लाह मेरी शॉपिंग हॉल वीडियोस भी कमिंग सून है, तो आपने कनेक्टेड रहना है चैनल के साथ। ये मरीना की स्टफ़ के हैं सूट्स, और जैसा अभी मैंने आपसे शेयर किया कि मरीना सूट भी बहुत ही कम है हर ब्रांड पर,
सिर्फ 5-6 आर्टिकल्स हैं अलकरम स्टूडियो में भी, और इस डिस्प्ले पर ये सारे के सारे 12 मरीना इनके सूट्स हैं। कलर और प्राइसेस आप देख सकते हैं। मरीना बेसिकली एक्सपेंसिव है थोड़ा सा फैब्रिक में, तो इस लिए आई थिंक अब किसी भी ब्रांड पर मरीना आता ही नहीं है। और मरीने पर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो थोड़ी सी मुश्किल से होती है, क्योंकि मरीना प्योरली विदाउट नायलॉन थ्रेड की होता है। तो जब तक नायलॉन मिक्स ना हो किसी भी फैब्रिक में, तो एम्ब्रॉयडरी सही तरीके से उस पर जच नहीं पाती, या आई डोंट नो वाई मीन्स इस तरह जो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, जो फैक्ट्री मेकिंग इनके मेथड्स होते हैं, उसमें थ्रेड वर्क उस तरह से उठ के नहीं आता, इन्हेंस नहीं होता। तो मरीने का जो एक अपना ग्रेस है, जो अपनी एक उसकी वर्थ है फैब्रिक वाइज, तो आई थिंक दूसरे फैब्रिक से बहुत ही डिफरेंस ही है। तो शायद इस वजह से अब बहुत सारे ब्रांड्स ने मरीना इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। और ये 12 वेस्को सूट्स हैं, ये भी 3 पीस में हैं। इनके साथ शिफोन दुपट्टा भी है और लेलन दुपट्टा भी है। 12 सूट्स हैं ये 3 पीस, 4,250 की प्राइस से अब आपको 2,763 में मिल रहे हैं। शॉल जो हैं इनके साथ मिक्स एंड मैच हैं, किसी के साथ कॉटन नेट दुपट्टा है, किसी के साथ लेलन दुपट्टा है। और अच्छा जी, पश्मीना और वूल शॉल आपको बहुत कम मिल रही है हर ब्रांड में। ना तो इस दफ़ा खाड़ी ने वूल शॉल इंट्रोड्यूस करवाई है और ना ही गुल अहमद ने। गुल अहमद पर भी मिक्स शॉल सूट्स आए हैं, और गुल अहमद की वीडियो अभी तक मैंने आपसे शेयर नहीं की, वो भी इंशाल्लाह करने वाली हूँ शेयर काफ़ी डिटेल के साथ। और ये वूल का एक ही सूट था ब्लैक और येलो कलर कम्बिनेशन में, लेकिन इसमें प्रिंट और आर्टिकल ये एक ही था। 3,443 की प्राइस थी, बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ है इसका। और हाँ जी, एक सूट ये था, ये मरून टाइप का जो है, ब्लैक वन और ये मरून वन, ये भी वूल शॉल सूट है अलकरम स्टूडियो का, बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक। लेकिन इसके साथ जो इनकी शर्ट और शलवार है वो लीलन की है, और शॉल जो है वो पश्मीना वूल में आ रही है, ठीक है। अगर इसका शर्ट और शलवार का स्टफ लीलन की बजाय मरीने का होता तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस। लेकिन जिस तरह मुझे पसंद है इनकी 12 वेस्कोस, और मरीना मेरा फेवरेट है अलकरम स्टूडियो का, तो लीलन हर जगह मिल जाती है, मोस्टली बहुत कॉमन है। और खद्दर भी, खद्दर की भी वैराइटीज़ हैं, फैब्रिक वाइज क्वालिटीज़ हैं, टाइप्स हैं। कुछ खद्दर लाइट होते हैं लेकिन बहुत अच्छे प्योर होते हैं, कुछ खद्दर वेट के हिसाब से बहुत हैवी होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे हैवी खद्दर भी होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो क्लास के होते हैं। तो अब देखिए, ये सारे अब लॉन का स्टफ है, ठीक है। इनकी विंटर कलेक्शन ख़त्म और इनकी समर कलेक्शन का स्टार्ट है। और मैक की कलेक्शन में भी आपको इसके सारे आर्टिकल्स पर अब सेल मिल रही है। और ये एम्ब्रॉयडर्ड इनके वेलवेट अनस्टिच में फैंसी सूट्स हैं, बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी के साथ हैं। आप लोग अपने इवेंट्स, गैदरिंग्स, वेडिंग सीजन चल रहा है तो चॉइस कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकी प्राइसेस हो चुकी हैं। आपको क्रेप के भी फैंसी अनस्टिच यहाँ पर मिल जाएंगे, जो मोस्टली कॉमन है वेडिंग सीज़न के लिए। और पैचेस का थोड़ा सा इनके साथ सर खपाना पड़ता है, अलग से स्टिचिंग करवानी पड़ती है, पैचेस का हिसाब थोड़ा सा कुछ और टाइप का चला जाता है।